के वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 की ऑफ रोडिंग टेस्ट। तो इसको लेके हम गए थे थोड़े ऑफ रोडिंग वाले इलाके में, गांव वाले इलाके में, क्योंकि तो इसको लेके हम गए थे थोड़े ऑफ रोडिंग वाले इलाके पे, कच्चे रास्तों में, गांव के एरिया में, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन पे हमको जाना था वो थोड़ी गांव से होके निकल रही थी। बारिश का मौसम था, स्लश भी मिला, मडी एरिया भी मिला, ऑफ रोड भी मिला, और ऊबड़ खाबड़ जगह भी मिली, गड्ढे भी मिले बड़े बड़े, क्योंकि आपको पता है रेनी सीजन है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो सारा मिला जुला ऑफ रोडिंग का कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में रहने वाला है। तो कितनी सक्सेस रही ऑफ रोडिंग में ये बाइक, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो भाई चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑल, ताकि इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो भाई सबसे पहले तो मैं इसको लेके निकला गांव के कच्चे रास्तों में से, जहाँ पे कंकड़ फट्टर थे, उबड़ खाबड़ रास्ता था, और बाइक काफ़ी अच्छी चल रही थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। एक तो बाइक में पावर ठीक ठाक है, इनिशियल पावर ठीक निकाल देती है, तो बार बार क्लच यूज़ करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, तो उसके बाद बाइक अपनी पावर छोड़ती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कच्चे रास्तों में से निकल रहे हो तो आपको गड्ढे मिलते हैं, तो आपको बाइक धीरे करनी पड़ती है और आपको जो है क्लच यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे आप क्लच छोड़ते हो तो बाइक की पावर ठीक ठाक है, उस चक्कर में आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अपने तरफ से पावर नहीं लगानी पड़ती, बाइक जो है उस रास्ते पे से आसानी से निकल जाती है। बात करें ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग भी काफी ठीक ठाक है, हालांकि ये सिंगल चैनल ABS वाला मॉडल था मेरे पास, पर ब्रेकिंग अपना प्रॉपर वर्क कर रही थी। बट हाँ, थोड़े से जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन वर्क अच्छा कर रहे थे, बट जब ज़्यादा बड़े गड्ढे आ रहे थे तो उनमें से जब मैं निकाल रहा था बाइक को, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ बाइक को और बॉडी को ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा गड्ढा में से अपन बड़े गड्ढे में से निकल रहे हैं। बाकी छोटे मोटे जो गड्ढे थे उनमें तो बहुत ही आसानी से सस्पेंशन वर्क कर रहे थे, बहुत ही आसानी से बाइक जो है निकल रही थी, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे। बट जब थोड़ा बड़ा गड्ढा आ रहा था या फिर ऐसी कई जगह आती थी जहाँ बाइक को थोड़ा दम लगाना पड़ रहा था, तो वहाँ सस्पेंशन मुझे लग रहा था कि थोड़े वीक हैं। आगे अपन इसको लेके गए थोड़े स्लश वाले एरिया में, थोड़े मडी एरिया में, क्योंकि बारिश का सीजन था तो हमको काफी अच्छा खासा स्लश मिला। अब मैं बात करूं थोड़ा स्लश की, तो जहां पे पानी थोड़ा ज्यादा था और मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी, थोड़ी चिकनी मिट्टी थी, तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि बाइक स्किड कर सकती है हल्का सा। हालांकि टायर साइज फ्रंट में 110 का है, रियर में 130 का है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कि बाइक मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। हालांकि क्योंकि देखो ये एक प्रॉपर ऑफ रोड वाली बाइक नहीं है, तो इसकी वो जो ऑफ रोड वाली बाइक होती है वो परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही थी, बट कहीं ना कहीं थोड़े स्लशी और मडी एरिया में ऐसा लग रहा था कि बाइक स्किड कर सकती है। बट ऐसा नहीं है कि बाइक में टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से ऐसा मुझे कहीं फील नहीं हुआ कि बाइक धंसने के चांसेज हैं, क्योंकि जैसे जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी, स्लश ज़्यादा था और पानी ज़्यादा था, तो वहाँ पे भी अगर बाइक को मैंने कुदाया तो मैंने बाइक जो है ईजिली निकाल ली, क्योंकि हैवी टॉर्क बाइक है, पावर ठीक ठाक है, तो ऐसा लगा नहीं कि बाइक कहीं फंसेगी, और फिर टायर साइज भी अच्छा, डिसेंट टायर साइज होने के कारण ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि बाइक मेरी फंस सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा था कि अगर बाइक को मैं किसी बड़े गड्ढे में या फिर लाइक स्लश वगैरह में डालता भी हूं तो बाइक मेरी इजीली जो है निकल जाएगी हैवी टॉक होने की वजह से और टायर साइज डिसेंट होने की वजह से। उसके अलावा गांव के छोटे एरिया में और जहाँ पे कच्चा रास्ता था वहाँ पे तो बाइक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। तो कोई भाई जैसे किसी का सवाल रहता है कि यार मैं गांव के एरिया में बाइक को चलाना चाहता हूँ तो कितनी सक्सेस है, तो यार आप ले सकते हो, डेली यूजेज आपका है और काली आपको गाँव में ही चलानी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि गाँव के एरिया में कच्चे रास्तों पर चलाने में आपको कोई दिक्कत आएगी। ऑफ रोडिंग देखो बाइक सक्सेसफुल है और इजिली आप छोटा मोटा ऑफ रोड कर सकते हो। तो बस यही था यार, हम लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा एक छोटा सा ऑफ रोड का टेस्ट इसका करके देख लेते हैं। मुझे तो बाइक की परफॉर्मेंस में और ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं आया, सस्पेंशन भी ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं, बाकी बाइक में पावर वगैरह अच्छी है, टॉर्क काफ़ी अच्छा है, तो बाइक ईजिली निकल भी जाती है। बाकी यही था अपना छोटा सा एक वीडियो ऑफ रोड से रिलेटेड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।